हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 के बेसिक्स सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। यानी अगर आपको किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करना हो, या 100 से डिवाइड करना हो, या 1000 से डिवाइड करना हो, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहले एग्जांपल में हमें दिया गया है 31.5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हमें 31.5 को डिवाइड करना है 10 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 31.5 डिवाइडेड बाय 10। अब क्योंकि हमें 31.5 को डिवाइड करना है 10 से, तो 31.5 तो न्यूमरेटर में आएगा और ये जो 10 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डिनोमिनेटर में एक जीरो है। अब हम इस जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर डेसिमल हमें नजर आ रहा है, तो जब हम डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये 315 यहाँ पर हमने एज इट इज रखा 315, और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो जब हमने 31.5 को डिवाइड किया 10 से तो हमें आंसर मिला है 3.15। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है 31.5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब क्योंकि हमें 31.5 को डिवाइड करना है 100 से, तो 31.5 तो न्यूमरेटर में आएगा और ये जो 100 है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डिनोमिनेटर में दो जीरो हैं, तो हम ये दो जीरो यहाँ से हटाएंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो डेसिमल यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, तो जब हम डिनोमिनेटर से ये दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 315 यहाँ पर हमने एज इट इज लिख लिया 315, और ये डेसिमल यहाँ पर था, अब ये यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। और इस डेसिमल के लेफ्ट में हम ये जीरो दिखा सकते हैं, इस जीरो से हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। तो जब हमने 31.5 को डिवाइड किया 100 से तो हमें आंसर मिला है 0.315। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इसमें हमें दिया गया है 31.5 डिवाइडेड बाय 1000। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब क्योंकि हमें 31.5 को डिवाइड करना है 1000 से, तो 31.5 तो न्यूमरेटर में आएगा और ये 1000 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में तीन जीरो हैं, हम ये तीनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो जब हम डिनोमिनेटर से ये तीन जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से तीन डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 315 ये हमने सबसे पहले यहाँ पर एज इट इज लिखा 315, और ये डेसिमल यहाँ पर था और इसे हमने शिफ्ट करना है तीन डिजिट लेफ्ट की तरफ। तो पहले ये 1 को क्रॉस करेगा फिर 3 को, लेकिन 3 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट ही नहीं थी, लेकिन हमें डेसिमल को तो तीन डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराना है। तो 3 के लेफ्ट में हम 0 लिखेंगे और 0 के लेफ्ट में ये डेसिमल लिखेंगे। अब देखिए ये डेसिमल यहाँ से 1 2 3 तीन डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। डेसिमल के लेफ्ट में हम ये 0 लिख कर दिखा सकते हैं, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो हम लिखते हैं इससे नंबर की जो वैल्यू होती है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 31.5 को डिवाइड किया 1000 से तो हमें आंसर मिला है 0.0315। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, यानी कि एक डेसिमल नंबर को आप होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहले एग्जांपल में हमें दिया गया है 6.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमें 6.4 जो कि एक डेसिमल नंबर है इसे डिवाइड करना है 2 से, जो कि एक होल नंबर है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। अब हम इस डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे, तो जब ये डेसिमल हम यहाँ से हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 64 और अपॉन में 10 आएगा। अपॉन में 10 इसलिए आएगा स्टूडेंट्स कि अगर आप राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अगर राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप वो डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया और ये 2 भी एज इट इज आ गया।
अब ये 64/10 ये तो यहां पर एज इट इज आ गया है। अब इस डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में, और जब आप इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके राइट में जो ये होल नंबर है 2, इसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल यहां पर लिखेंगे। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट्स कोई भी नंबर अकेला नहीं होता, तो अगर हम कहते हैं कि 2 है तो 2 के नीचे अपोन में 1 होता है, और अगर हम 2/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में, यानी कि 1 ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2, तो यहां पर 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। तो जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके राइट में जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल यहां पर लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 64 और ये 2, ये आपस में कट सकते हैं, ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो देखिए 2 1 द 2, ये 2 तो कट गया। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 3 द 6, ये 6 भी कट गया, बचा क्या 4, 2 2 द 4, यानी कि ये दोनों ही नंबर्स ये 2 से कट चुके हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ गया, 32, और यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 32 आ गया, डिनोमिनेटर में यहाँ 10 है यहाँ 1 है, 10 × 1 10 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 10 आ गया, तो अब हमें मिल गया है 32/10। अब हम 32 को 10 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो हम इस 0 को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में जब कहीं डेसिमल नजर नहीं आता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है, तो जब हम डिनोमिनेटर से ये 1 0 हटाएंगे तो ये जो डेसिमल यहाँ पर है ये 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 2 यहाँ पर हमने एज इट इज रखा, और यहाँ पर जो लास्ट में डेसिमल था ये यहाँ से 1 डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हमने 6.4 को डिवाइड किया 2 से तो हमें आंसर मिल गया है 3.2। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमें दिया गया है 12.96 डिवाइडेड बाय 4। हमें इस डेसिमल वाले नंबर को इस होल नंबर से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम यहां से इस डेसिमल को हटाएंगे स्टूडेंट्स, जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 1296 और अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ राइट से चेक करें तो राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो जब राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। ये डिवाइड का साइन एज इट इज आया और ये 4 भी एज इट इज आ गया। अब ये 1296/100 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के राइट में जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 4 का रेसिप्रोकल होता है 1/4। देखिए स्टूडेंट्स 4 अकेला नहीं होता, 4 के अपॉन में 1 होता है, तो जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 4/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/4। तो जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहां से इस 4 का रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहां पर हमने 4 का रेसिप्रोकल 1/4 लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 1296 और ये 4, ये आपस में कट सकते हैं, ये दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं। देखिए 4 1 द 4, 4 3 द 12, ये 12 भी कट गया। अब इसके बाद है 9, 4 2 द 8 होता है, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 एंड 6 16 होता है, 4 4 द 16, अब 4 से ये 4 भी कट गया और ये 1296 भी 4 से कट गया। यहाँ न्यूमरेटर में बचा 324, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ डिनोमिनेटर में बचा 1। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 324 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 324, और जब हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब हमें मिल गया है 324/100। अब हम 324 को डिवाइड करेंगे 100 से।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो जीरो हैं, हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है, और जब हम डिनोमिनेटर से ये दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 3 2 4 हमने एज इट इज रखा, और ये डेसिमल जो पहले यहाँ पर था यहाँ से दो डिजिट को क्रॉस करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हमने 12.96 को डिवाइड किया 4 से तो हमें आंसर मिला है 3.24। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, यानी आपको अगर किसी डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमें दिया गया है 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5। देखिए ये नंबर भी डेसिमल में है और ये नंबर भी डेसिमल में है, यानी कि एक डेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। अब हम इन दोनों ही नंबर से डेसिमल को हटा देंगे। जब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 255 और अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि यहाँ राइट से चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, और जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। डिवाइड का साइन यहाँ एज इट इज आ गया। अब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें 5 मिलेगा और अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि यहां भी राइट से अगर आप चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब हमने ये डेसिमल हटाया तो अपॉन में 10 आ गया। अब ये 255 अपॉन 10 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के राइट में जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखते हैं। तो 5/10 का रेसिप्रोकल होगा 10/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएंगे, 10 वन द 10 एंड 10 वन द 10, और ये 255 और ये 5, ये दोनों भी 5 से कटते हैं, तो हम इन दोनों को 5 से काट देंगे। देखिए 5 वन द 5, 5 5 द 25, ये 25 कट गया, बचा क्या 5, 5 वन द 5, तो ये दोनों नंबर भी 5 से कट गए। अब यहाँ न्यूमरेटर में 51 है, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, तो जब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 51 मल्टीप्लाई बाय 1 हमें क्या मिलेगा, 51, और अपॉन में तो सिर्फ 1 बचा, तो अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 25.5 को डिवाइड किया 0.5 से तो हमें आंसर मिल गया है 51। यहाँ पर हम एक बात और क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि ये मेथड कब यूज होता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें और डिवाइड के राइट में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले। तो याद रखिएगा कि जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं जिनमें कम से कम एक नंबर फ्रैक्शन में हो या दोनों ही नंबर फ्रैक्शन में हो, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों नंबर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो जब भी आप दो ऐसे नंबर को डिवाइड करें जिनमें अगर एक नंबर भी फ्रैक्शन में हो या दोनों ही नंबर फ्रैक्शन में हो, तो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और डिवाइड के राइट में जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमें दिया गया है 22.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर से डेसिमल्स को हटा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 225, अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि यहाँ राइट से चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, और जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। फिर ये डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया। अब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में 15 मिलेगा, अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि यहां भी राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब हमने ये डेसिमल हटाया तो अपॉन में 10 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही नंबर अब फ्रैक्शन में आ गए हैं, और अभी हमने आपको बताया था कि जब भी आप दो ऐसे नंबर को डिवाइड करें जिनमें से अगर एक भी फ्रैक्शन में हो या दोनों ही फ्रैक्शन में हो, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और डिवाइड के राइट में जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे। यहां पर भी हम यही मेथड यूज करने वाले हैं। 225/10 यहाँ पर एज इट इज आ गया। इस डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में और डिवाइड के राइट में जो ये नंबर है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 15/10 का रेसिप्रोकल होता है 10/15, तो यहां पर हमने लिखा 10/15। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएंगे, 10 वन द 10 एंड 10 वन द 10, और ये 225 और ये 15, ये दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो हम 5 से इन दोनों को काट सकते हैं। देखिए 5 3 द 15, और यहां पर देखिए 5 4 द 10,
22 में से 20 गया, 2 बचा, 2 एंड 5 25, 5 5 दा 25। अब यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 3 है, ये दोनों भी आपस में सोल्व किए जा सकते हैं। 45 और 3, ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो ये दोनों ही 3 से काटे जा सकते हैं। देखिए, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 दा 15, तो ये 45 और ये 3, ये भी 3 से कट गए। अब यहां पर न्यूमरेटर में 15 बचा, यहां न्यूमरेटर में 1 है। अब अगर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 होता है, तो यहाँ 15 आ गया। अपॉन में सिर्फ 1 बचा, तो अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 22.5 को डिवाइड किया 1.5 से, तो हमें आंसर मिला है 15। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, 27 डिवाइडेड बाय 0.03। हमें 27 को डिवाइड करना है 0.03 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 27 एज इट इज आएगा, डिवाइड का साइन यहाँ एज इट इज रहा। सबसे पहले हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। जब ये डेसिमल हम हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ न्यूमरेटर में हमें 3 मिलेगा। देखिए, डेसिमल के बाद 0.03 है, लेकिन हमने जब डेसिमल हटाया तो यहाँ सिर्फ 3 लिखा, क्योंकि 3 के लेफ्ट में अगर आप 0 लिख भी देते हैं, तो 0.03 कहिए या 3 कहिए, बात एक ही होती है। और अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ राइट से चेक करें तो राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं, तो अपॉन में 100 आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें 27 को यहाँ डिवाइड करना है 3/100 से। हमने आपको बताया था कि जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं जिनमें से अगर एक भी फ्रैक्शन में है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और डिवाइड के राइट में जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे। और यहां पर देखिए 3/100 फ्रैक्शन में है, तो हम यही मेथड यहां पर यूज करेंगे। तो इस 27 को यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के राइट में जो ये नंबर है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा। 3/100 का रेसिप्रोकल होता है 100/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 27 और ये 3, ये आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, ये दोनों ही 3 से कट सकते हैं। देखिए, 3 1 दा 3 एंड 3 9 दा 27। अब यहाँ न्यूमरेटर में 9 है, यहाँ न्यूमरेटर में 100 है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 into 100 900 होता है, तो यहाँ पर 900 आ गया। अपॉन में सिर्फ 1 बचा, तो अपॉन में 1 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो जब हमने 27 को डिवाइड किया 0.03 से, तो हमें आंसर मिल गया है 900। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।